तथागत बुद्ध, सुगतो बुद्ध, भगवान बुद्ध की अंतिम बात। जब भगवान बुद्ध ने अपनी मृत्यु की फाइल ओपन कर ली और लगभग उसको 3 महीने हो गए, तो शाम के समय जब सारा भिक्खु संघ उनके पास है, तो वो आनंद को बुला के कहते हैं कि आनंद, ऐसा ना समझना कि तथागत चले गए, हमारे टीचर चले गए, हमारे शास्त्र, हमारे शिक्षक, या जो हमें पढ़ाने वाले हैं, जो हमें बताते हैं, जो हमें देशना देते हैं, जो हमारी संख्याओं का समाधान करते हैं, वो चले गए, ऐसा मत सोचना। 45 वर्षा वासों में, यानी 45 बरस में, बरस वर्षा को बोलते हैं, कहते हैं इतना बरसा पानी, तो 45 वर्षों में जो मैंने सिखाया है और जो पढ़ाया है, जो भी बताया है, वो आपका टीचर रहेगा, वही आपका शास्त्र रहेगा, वही आपका शिक्षक रहेगा, वही आपका शिक्षक रहेगा, यानी टीचर एजुकेशन रहेगी, व्यक्ति नहीं रहेगा। ये बहुत स्पष्ट सा निर्देश उन्होंने आनंद को दिया। भगवान ने जाते समय कुछ दिशा निर्देश, डायरेक्शन भिक्खु संघ और उनको भी दिए, जो आनंद से इस प्रकार उन्होंने कहे कि आनंद, जब मेरे जाने के बाद में भिक्खु एक दूसरे को आवुस कहकर नहीं बुलाएंगे। पहले भिक्खु सारे छोटे या बड़े एक दूसरे को आवुस कहकर बुलाया करते थे। आवुस का मतलब होता है प्रिय जैसा शब्द है, एक जो थोड़ा पोलाइट है, और जैसे हम किसी छोटे के लिए बोलते हैं प्रिय यहाँ आओ, तो उस समय आवुस का इस्तेमाल था। बाद में इस आवुस को आयुष्मान करके दर्शाया गया। आयुष्मान में आयु जो बढ़ती है उसके हिसाब से बोला जाता है, ये आवुस है। आवुस का मतलब यहाँ प्रिय या सम्मानजनक छोटे बच्चे या छोटे जो लोग होते हैं, बहुत पोलाइट शब्द है। तो उन्होंने कहा कि जो बड़े भिक्खु हैं, उम्र में ज़्यादा बड़े भिक्खु हैं, उम्र का मतलब है जिन्होंने धम्म को ज़्यादा सीखा है। जैसे किसी भिक्खु ने धम्म को 10 साल सीखा, और कोई भिक्खु है जिसने धम्म को 8 साल सीखा, भले ही चाहे उसकी उम्र कितनी भी है। तो जो उम्र में, धम्म की उम्र में बड़े भिक्खु हैं, वो धम्म की उम्र के छोटे भिक्खुओं को आवुस कहकर बुला सकते हैं, बुलाएंगे। और जो छोटे धम्म के भिक्खु हैं, धम्म में जिनकी छोटी उम्र है, और जो धम्म में बड़े भिक्खु हैं, उनको वो भंते कहेंगे। भगवान बुद्ध को भी भंते लोग कहते थे, यानी भिक्खु उनको भंते कह के बुलाया करते थे, तो उनको भंते का नाम उन्होंने दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई छोटे मोटे नियम भिक्खु संघ अगर निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है। यानी ये स्पष्ट निर्देश भगवान बुद्ध की तरफ से क्लियर हो गया अंत में, कि अगर भिक्खु संघ चाहे तो कुछ छोटे मोटे नियम छोड़ सकता है। मगर भगवान बुद्ध ने ये नहीं बताया कि कौन से नियम छोड़ने चाहिए, और आनंद भी ये पूछना भूल गए या नहीं पूछा कि कौन से नियम छोड़ने हैं, क्योंकि समय ऐसा रहा था कि भगवान बुद्ध का अंतिम समय था, और उसके बाद वो तीसरे पहर के बाद अपनी सांसें बंद करने वाले थे। तो हो सकता है कि ऐसे मौके पर याद भी नहीं रहता, क्योंकि जो जाने वाला व्यक्ति होता है वो जो कहता है उसको सब ध्यान से सुनते हैं, और उसके बात को कोई बोलता नहीं है। वो कहते हैं कि जो छन्न है, छन्न उनका जो घोड़े में, जब वो कपिल वस्तु से सभी लोगों ने उनको विदा किया था धम्म सीखने के लिए और पवज्जा के लिए, क्योंकि पूरा कपिल वस्तु उनको छोड़ने आया था, और वो बहुत सम्मानजनक तरीके से कपिल वस्तु से आए थे। जो ये कहानी बताई जाती है कि वो रात को चुपचाप वहाँ से आए या उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया, ये बिल्कुल झूठी और गलत कहानी है, क्योंकि छन्न और जो उनका घोड़ा था वो सब उनके साथ आए थे। तो छन्न बहुत ज़्यादा उद्दंडी था, छन्न धम्म नहीं सीखता था, उसको इस बात का बड़ा गर्व रहता था कि वो भगवान बुद्ध को बचपन से जानता है, उनके बचपन का देखा है, उनके घर में सबको जानता है। तो ये बात अमूमन होती है कि जो व्यक्ति जिसको जानता है या जो घर में रहता है या घर के आसपास रहता है, उसके ज्ञान को, उसकी नॉलेज को लोग स्वीकारते नहीं हैं, उसको ऐसा ही मानते हैं, उनकी मेमोरी में, उनकी याददाश्त में वो बचपन का ही बंदा होता है, यानी कि वो व्यक्ति बचपन का ही होता है। जैसे अगर आप कहीं बहुत पढ़े लिखे, कहीं प्रोफेसर, डॉक्टर या इंजीनियर या बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े कलाकार बन जाएं, और गांव में आप अपने वापस आएँ या शहर में आएँ, तो आपके मोहल्ला पड़ोस के लोग तो आपको बचपन से जानते हैं, जब आप पैदा हुए थे, जब देखे थे, तो उनके वो मेमोरी उसी समय की होती है, तो वो कई बार उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। आपकी विद्वत्ता का, आपकी नॉलेज का, आपकी जानकारी का उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो बाहर के लोग मिलते हैं, वो आपको तब मिलते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज या ज्ञान या बहुत ज़्यादा
अच्छी चीजें आपके पास होती है तो वो वहां से स्टार्ट करते हैं तो उनकी छवि वही बन जाती है। तो छंदक के दिमाग में भी वही छवि रही होगी कि छोटे से सिद्धार्थ हैं, कभी खेला करते थे, जो खेत थे उनमें जाया करते थे, हल चलाया करते थे, खूब अपना सीखते सिखाते थे, तो वो धम्म को सीरियसली नहीं लेते थे। यानी छंद ने कभी धम्म को सीरियसली लिया नहीं और वो उद्दंड भी मचाते थे क्योंकि बचपन के साथ ही रहे, इसलिए भगवान बुद्ध ने कभी उनको कहा नहीं। मगर जाते जाते आनंद को कहा कि आनंद छन्न को वही दंड देना, वहिर या बाह्य दंड, वहिर या बाह्य को बाद में भ्रम भी बोला गया, वही दंड। तो आनंद ने पूछा कि भगवान ये वही दंड या बाह्य दंड या भ्रम दंड ये क्या है? तो भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया कि ये वही दंड का मतलब है, वहिर या बाह्य दंड का मतलब है कि इनको हम जो लोग जहाँ रहते हैं उससे बाहर कर दीजिए। कैसे बाहर करना है? ना तो इनसे बात करनी है, ना इनकी किसी बात का जवाब देना है, ना इनकी तरफ देखना है, ना इनके किसी कार्य की निंदा करनी है, ना ही प्रशंसा करनी है, ना ही इनके कार्य पर कुछ बोलना है, ना ही इनको कुछ काम करने के लिए कहना है। इनको पूरी तरह से इग्नोर करना है, उपेक्षित करना है। ये इग्नोरेंस का और जो उपेक्षा का जो दंड है इसको वही दंड बोलते हैं, यानी कि बाहर निकाल दिया। आज के समय में इसको जैसे बोलते हैं जात बिरादरी से बाहर निकाल दिया, या कुनवा से बाहर निकाल दिया, या घर से बाहर निकाल दिया, या गांव से बाहर निकाल दिया, या देश से बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, या तड़ी पार कर दिया, या क्या बोलते हैं अभी हमारे कुल में नहीं है, कुल से बाहर कर दिया, गोद से बाहर कर दिया, ये आज भी चलते हैं। तो ये वही दंड है, वहीर बोलते हैं इनको। तो जो बाहर कर देता है तो उसको छंद को बाहर कर दिया। बाद में जब छंद को बाहर किया तो छंद को समझ में आया, फिर वो अपनी गलती को उन्होंने माफ़ी मांगी और उनको फिर माफ़ भी किया गया। तो वो वही दंड दिया, जानबूझ के दिया, ये पहली बार उनको वही दंड दिया था। ये बहुत कठिन दंड था जो छंद के ठीक करने के लिए जरूरी था, क्योंकि भगवान बुद्ध तो बड़े करुणामय व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा करुणा उनमें भरी हुई थी और वो सबको जानते थे। उन्हें पता था कि छंद कैसे सुधरेगा, तो छंद बाद में सुधर भी गया और वो ठीक भी हो गया। भगवान बुद्ध उसका भी जाते जाते कल्याण करके गए, ये रास्ता उन्होंने बताया। फिर भगवान ने अपने भिक्खु संघ से कहा कि जो मैंने आपको धम्म में सिखाया है, जितना भी धम्म मैंने बताया है, अगर आपको लगता है कि धम्म में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई निवारण करना है, निवारण का मतलब है आवरण को हटाना, यानी आवरण माने होता है ढकना और नी आवरण माने होता है उसको हटाना। कोई निवारण इसका करना है, कोई धम्म के बारे में कोई बात आपको लगती है तो आप उसको पूछ लें। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा, फिर दो बार कहा, फिर तीन बार कहा, किसी भी भिक्खु ने और किसी भी भिक्खु ने कोई प्रश्न नहीं किया। भगवान ने फिर ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भिक्खु या कोई भिक्खुणी अगर अपने किसी साथी से पूछवाना चाहे, क्योंकि कई बार क्या होता है आदमी संकोचवश नहीं पूछता, जैसे कोई नया नया भिक्खु आया है और वो भगवान से 45 साल की देशना है, उनसे क्या पूछे, उसको समझ भी नहीं आ रहा कि वो प्रश्न क्या करे क्या ना करे, संकोच में होता है, हिचक होती है, हेजिटेशन होती है, तो कई बार पूछते नहीं है। क्लास में भी ऐसा होता है, जब स्कूल में हम पढ़ते हैं तो कई बार कोई बच्चे के मन में प्रश्न आता है मगर वो इसलिए नहीं पूछता, कहीं क्लास हंसे ना या मास्टर जी ये ना कहें कि ये क्या पूछ लिया, ये तुझे आता या नहीं आता है, कोई अलग अलग तरह का, तो संकोचवश पूछते भी नहीं है। भगवान बुद्ध जानते थे कि संकोच शंका होती है, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को संकोच शंका है तो अपने किसी साथी से पूछवा ले। मगर फिर भी किसी ने कोई भी बात नहीं पूछी। तब आनंद ने कहा कि भगवान जो भिक्खु संघ है आपका, वो सारा भिक्खु संघ इतना ज़्यादा ज्ञानवान है कि उसका जो सबसे छोटा भिक्खु है वो भी स्वतापन है और वो धम्म में सारे के सारे बहुत ज़्यादा जानकार हैं और धम्म को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनका कोई शंका और कोई समाधान धम्म के बारे में नहीं है, धम्म को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भगवान बुद्ध ने अंतिम जो संदेश था, जो अंतिम बात थी वो कही, और वो बात अजर अमर इसलिए भी है क्योंकि वो सारी बातों का लगभग सार भी है। वो कहते हैं हंद इदानी भिक्खवे आमंत्रयामी वो, हंद इदानी या हंद दानी का मतलब है अच्छा, हंद का मतलब होता है आओ मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, और इदानी का मतलब ये है अब इस समय, यानी अब इस समय आप मेरी बात सुनो। भिक्खवे आमंत्रयामी वो, भिक्खवे आमंत्रयामी वो, यानी भिक्खुओं को आमंत्रित किया जाता है इस समय आके, अब वो मेरी बात सुने। क्या बात है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। वै धम्मा संखारा यानी जितने भी चीज़ें हम पूरी जिंदगी में करते हैं वो एक संखारा बनाते हैं। संखारा क्या होता है? ये संखारा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसको संस्कार करके संस्कारित भाषा में बोला गया। बेसिकली संखारा और संस्कार और संस्कारित तीनों शब्द एक ही हैं, बस भाषा का अंतर है वो संस्कारित है और वो पाली भाषा प्राकृतिक है। प्राकृतिक में संखार बोलते हैं इसको या संखारा। पहली बार अगर मैं किसी चीज़ की खाने का या पीने का कोई चीज़ देखूं, जैसे मैं इटली जाऊं और इटली में जाके पहली बार पिज़्ज़ा देखूं, तो पिज़्ज़ा का जो मैं फ़ोटो देखूंगा पहली बार, वो पहली बार मेरी आंखों से मेरी मेमोरी में जाएगा और पिज़्ज़ा कैसा होता है, गोल होता है या जो भी जैसा बना हुआ है, वो जाके वहाँ स्टोर हो जाएगा। अच्छा और या बुरा वो जानकारी के आधार पे या जो मेरी पुरानी जानकारी है, पुराना सॉफ्टवेयर है, उसके आधार पे वो अच्छा और बुरा तय होगा। जिसको मेरा मन तय करेगा वो काम भी वैसे ही करेगा। तो या तो अच्छे की छाप लगेगी उस पर या ख़राब की लगेगी, या ना अच्छा है ना ख़राब है इसकी छाप लगेगी, तीन में से एक उसके ऊपर मोहर लगेगी अंदर। अब पिज़्ज़ा पर एक मोहर लग गई कि ये अच्छा है, फिर मेरी जो स्मेल है, स्मेल मेरी नाक से जाएगी, उसकी जो स्मेल है और उसकी स्मेल की मोहर लगेगी कि ये स्मेल अच्छी है या ख़राब है, ना अच्छी है ना ख़राब है, वो लगेगी। फिर उसको मैं टेस्ट करूँगा, चखूँगा जीभ पे पहली बार, तो मेरी जीभ पे जो टेस्ट जाएगा फिर वो उसकी मोहर लगाएगा कि ये टेस्ट अच्छा है ये टेस्ट। फिर मेरी नाक उसको सूंघेगी, नाक से उसकी जो स्मेल जाएगी, फिर वो अंदर एक मोहर लगेगी कि ये स्मेल अच्छी है या ख़राब है या ना ख़राब है ना अच्छी है, उसकी स्टाम्प लग के वो भी स्टोर हो जाएगा। यानी जो जिह्वा से टेस्ट गया उसका भी जो मैं स्वाद चखूंगा उस स्वाद का भी एक मोहर लगेगी कि स्वाद अच्छा है या ख़राब है, या ख़राब है ना अच्छा है, उसकी एक मोहर लगेगी और वो अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो उसका जीभ से चला गया, उसका नाक से चला गया, आँखों से चला गया, फिर मैं उसको टच करके देखूंगा जब उठाऊंगा कि वो गर्म है या ठंडा है उसका, और मुलायम है या सख्त है, जो भी उसके स्पर्श आएंगे वो सारे स्पर्श की एक मोहर लगेगी कि ये अच्छा है या ख़राब है या ना अच्छा है ना ख़राब है, वो मोहर लग के स्टोर हो जाएगा। ये सारा का सारा स्टोर होने के बाद में एक फोल्डर में जाके इकट्ठा हो जाएगा। उस फोल्डर का नाम पड़ेगा पिज़्ज़ा, यानी पिज़्ज़ा नाम मुझे बताया गया तो उसका पिज़्ज़ा नाम पड़ेगा, पिज़्ज़ा के नाम से वो स्टोर हो गया। अब जब भी पिज़्ज़ा कोई शब्द बोलेगा या उस जैसा मुझे आकृति दिखाई देगी या उस जैसी स्मेल दिखाई देगी या उस जैसा कहीं रंग रूप दिखाई देगा या उस जैसा टच दिखाई देगा, तो पिज़्ज़ा की फाइल खुल जाएगी और अगर उसमें स्टाम्प लगी है अच्छे की तो वो मुझे चाहिए, उसमें स्टाम्प लगी है ख़राब की तो वो मुझे नहीं चाहिए, और उसमें स्टाम्प लगी है ना अच्छा है ना ख़राब है तो वो मुझे मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए तो कोई बात नहीं। ये स्टोरेज हो गई। ये जो स्टोरेज हुई है फाइल जिसका नाम पिज़्ज़ा है उसको संखारा बोलते हैं। ऐसी लाखों फाइल करोड़ों फाइल डेली बनती रहती हैं, अगर उनको हम यूज करते रहते हैं रिपीट करते रहते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाती हैं, और अगर उनको हम यूज नहीं करते रिपीट नहीं करते तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होके और कंप्रेस होके बॉडी के अंदर, कहीं भी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में वो जाके रह जाती हैं। ये भगवान बुद्ध ने देखा और बताया कैसे स्टोरेज होती है। तो यहाँ जो वो कहते हैं वै धम्मा संखारा, तो वो ये कहते हैं कि सारे जितने भी स्टोरेज है बॉडी के अंदर, जो भी चीज़ें आपने स्टोर की हैं वो वै धम्मा हैं, वो ख़त्म होती रहती हैं, उनको ख़त्म करने का तरीका भी है और वो ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए घबराना मत। वै धम्मा संखारा, सारे जितने भी आपने क्रियाकलाप किए हैं वो सब वै हैं, सब खत्म हो जाते हैं। अपमादेन संपादेत, ये जो अपमादेन संपादेत शब्द है, इसमें जो संपादेत शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप सुनिए और ये बहुत सिंपल से शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। आपने संपादक नाम सुना होगा, अखबार का संपादक है, टीवी का संपादक है जिसको एडिटर बोलते हैं, यानी जो एडिट करता है, फिल्म का संपादक होता है, ये जो वीडियो बन रही है इसको भी संपादित किया जाएगा, एडिट किया जाएगा, इसमें से जो खराब कुछ खांसी है या खुर्रा है या कहीं कोई लाइट चली गई है या कहीं वीडियो की आवाज़ ठीक नहीं है तो इसको ठीक किया जाएगा, संपादित किया जाएगा। तो ऐसे ही वो ये कहते हैं कि जो बॉडी के अंदर जितने भी फॉर्मेशन आए हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ आई हैं, जितनी भी कोड की फाइल आई हैं, उनको संपादित करना है, उनको एडिट करना है। एडिट कैसे करना है? एडिट ऐसे करना है कि जो फाइलें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जो मन को नुकसान पहुंचाती हैं,
जो आपको बीमार करती हैं उनको निकालना है, और जो फाइलें ठीक हैं वो फाइलें आपको रखनी है, जो आपके जीवन के लिए बढ़िया हैं, जो आपके जीवन को बढ़ाती हैं, जो आपको दुख नहीं देती हैं, सुख देती हैं। यानी दुख देने वाली फाइलों को सबको हटाना है तो सुख देने फाइलें ऑटोमेटिक बच जाएगी। अपमादिन, अपमादिन का मतलब है ए प्रमाद के साथ। ऐसा नहीं है कि आप पिज्जा की इच्छा करते रहें और पिज्जा की फाइल रिमूव करते रहें, कभी नहीं होगी। आप कहें मुझे 10 पिज्जा खाना है और पिज्जा की फाइल खत्म हो जाए, तो पिज्जा की तो 10 फाइल और खुल गई, अभी तो खत्म होने के बाद छोड़ दीजिए आप। आप ये कहें कि मुझे कार नहीं चाहिए और 10 कार आप देखें और उनकी फाइलें बना लें, तो कार की तो 10 फाइलें और बन गई। आपने कहा कि मुझे तो इतना पैसा और चाहिए और मुझे लोभ लालच भी नहीं है, तो पैसा आपने मांगा तो लोभ लालच की फाइल तो और खुल गई। तो वो कहते हैं कि वह धम्मा संखारा, यानी जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी कोड हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं। अपमादेन संपादेत, उनको एडिट करो ए प्रमाद के साथ मेहनत करके। मेहनत का तरीका उन्होंने विपसना करके बताया हुआ है, यानी सारे सिद्धांत बता के गए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली कह दिया, क्योंकि भगवान बुद्ध में और बाकी लोग जितने भी हैं, जितने भी अब तक संत महात्मा हैं, उनमें एक अंतर है कि तीन बातें सभी ने बताई हैं। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, मगर निवारण का रास्ता क्या है और रास्ता की प्रैक्टिस क्या है वो सिर्फ बुद्ध ने बताई है। इसलिए बुद्ध को सारी दुनिया ने अडॉप्ट किया और बुद्ध की फिलॉसफी को माना, क्योंकि उसमें दुखों को दूर करने का रास्ता है। आपके पास भी आप विपसना कर लें, विपसना करके आप जाएंगे तो आपको दुख जाता हुआ दिखाई देगा, कैसा भी दुख हो, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे कायिक है या वाचसिक है, वो सब दुख आपको जाता हुआ दिखाई देगा, वो 100% चला जाता है, ये गारंटी होती है। इसलिए ये उनकी अंतिम बात थी, और उनकी अंतिम बात सारी बातों पे बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी, क्योंकि उसमें उन्होंने साफ साफ कहा हुआ था, खासतौर से जो ट्रेंड भिक्कू और भिक्कुने थे, बाकी जो आम लोग हैं आपकी तरह मित्र हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है। तो यहाँ अंतिम बात बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपने ध्यान जो दिया है संघारा का, धन्यवाद।